छत्तीसगढ़ सर्व सैन समाज पंजीयन क्रमांक 82 के तहत प्रांतीय पदाधिकारियों के बीच एक डेलीगेट हमारी प्रेस वार्ता के लिए आज पहुंची हुई है, जिसमें शासन को ध्यान आकर्षण कराने के लिए हम ये सब विभिन्न विषयों पर हम शासन को ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। सबसे पहला हमारा मांग है समाज कल्याण बोर्ड के लिए एक हमारा जो बोर्ड बना हुआ था उसे नियमित रूप से चालू किया जाए, जिसका नाम है केस शिल्पी कल्याण बोर्ड। उसके बाद पौनी पसारी प्रथा जो है, जो गांव में ग्रामीण अंचलों में जो हमारे जो सेन भाई जो अभी जो पीड़ित होकर जो अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं पौनी पसारी प्रथा को, उसमें जो धान दिया जाता है विभिन्न प्रकार का वो मिक्स हो जाता है। पहले जनसंख्या की कमी थी तो उसका जीवन यापन उस तरीके से हो जाता था, लेकिन अभी कम से कम रुपया राशि धन के बगैर कोई भी किसी का काम नहीं चलता। तो उसको शासन जैसे बाकी किसानों की जो धान को लेते हैं उसी प्रकार उनके समर्थन मूल्य में हमारे सेन भाइयों का धान को वो अधिग्रहण करे या ले या उसको खरीदी करे। उसके बाद जो गुमटियाँ लगती हैं जो शहरों में नगर पंचायत में, पंचायत में नगर पालिका में जो सरकारी जो दुकानें बनती हैं जिसमें हमारे भाइयों का भी जो उसका अधिकार रहता है उसको हमारे भाइयों को दे। हमारे भाइयों के अलावा दूसरे अन्य जाति समाज के लोग उसमें कब्जा कर लिए हैं, ब्यूटी पार्लर खोल लिए हैं, सेन समाज का कार्य सैलून व्यवसाय कार्य करे वो हमारे भाइयों को मिले। और जो शासकीय कर्मचारी में जो सेन भाइयों का जो कार्य रहता है जैसे फौजियों में आर्मियों में, उसमें हमारे सेन भाइयों को मौका मिले, सिर्फ उसमें सेन भाई ही पदस्थ हो ताकि उनकी रोजी रोटी, उनकी जो जीवन यापन की जो समस्या वो दूर हो। इसी भावनाओं के साथ मैं डॉक्टर मनोज कुमार ठाकुर, जिला अध्यक्ष सेन समाज छत्तीसगढ़। देखिए पिछले 4 साल से इस प्रदेश के पौनी पसारी वाले अति पिछड़ा समाज की अनदेखी सरकार के द्वारा की जा रही है। इस सरकार ने छोटे छोटे समाज को पिछले 4 साल से ठगा है, उनके हक उनके अधिकार से वंचित किया है। प्रांत सेन समाज के कर्मवीर श्रमवीर जो लोग हैं उनका जो उनका अधिकार था केस शिल्पी बोर्ड का वो नहीं बनाया। 4 साल हो गया है, ना समाज को किसी प्रकार से राहत पैकेज मिला है। समाज की 4 सूत्री मांग राज्य सरकार से है, राज्य सरकार इनकी समस्या पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है और लगातार इनको गुमराह कर रही है। इस विषय को लेकर सेन समाज अब मुखर हो चुका है और राज्य सरकार को खुली चेतावनी है कि इनके अधिकार को तत्काल राज्य सरकार इनको देते हुए इनको राहत प्रदान करे, अन्यथा समाज भी सरकार के खिलाफ में बहिष्कार का निंदा प्रस्ताव पारित करेगी जिसकी जिम्मेदार राज्य सरकार होगी और वास्तव में इनका अधिकार, इनका जो हक है वो राज्य सरकार को देना होगा।